नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आज दिल्ली में पीएम मोदी फिर यूपी के एनडीए के सांसदों के साथ बैठक करेंगे। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे। पीएम मोदी अलग अलग चरण में सांसदों के साथ संवाद करेंगे। इस बैठक को 2024 की तैयारियों को लेकर देखा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएम मोदी सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। आज अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्रों के सांसदों के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए तैयार की जा रही रणनीति पर चर्चा करेंगे। यूपी में एनडीए के 66 सांसद हैं, जिसमें 64 भाजपा और 2 अपना दल एस के हैं। पश्चिमी, ब्रज और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों के सांसदों के साथ होने वाली बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहेंगे। अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे और अनुप्रिया पटेल करेंगी। भाजपा ने उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। प्रदेश की 14 सीटें पार्टी के कब्जे से बाहर हैं और इन्हीं सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी सांसदों के साथ चर्चा करेंगे। 2024 के लिए सांसदों को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जो 2019 में वो हार गई थी। अलग अलग चरणों में प्रधानमंत्री मोदी का यह संवाद होगा। 2024 के लिए पीएम मोदी देंगे जीत का मंत्र। आज अवध, काशी, गोरखपुर के सांसदों के साथ बैठक होगी। यूपी में एनडीए के 66 सांसद हैं। जेपी नड्डा, नितिन गडकरी भी मौजूद होंगे। पूर्वांचल अवध क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक है। अलग अलग चरणों में संवाद होगा प्रधानमंत्री मोदी का। 2024 के लिए पीएम मोदी जीत का मंत्र देंगे। 2 चरणों में ये पूरा संवाद होना है। इससे अगली बैठक में जो बाकी सांसद हैं उनके साथ चर्चा होगी पीएम की, लेकिन आज ये चर्चा पूर्वांचल और अवध के कुछ क्षेत्रों के सांसद के साथ करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अलग अलग चरणों में संवाद होगा। 2024 के लिए प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र देंगे। तो कुल मिलाकर जो सीटें बीजेपी के पास नहीं थी उन पर फोकस रहेगा कि उनको कैसे जीता जाए। पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, ये चर्चा आखिर कितने बजे से शुरू होगी और इसके लिए क्या दिशा निर्देश सांसदों को दिए गए हैं? देखिए, काशी, गोरखपुर और अवध, इन 3 क्षेत्रों के लगभग 46 जो सांसद हैं उनके साथ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ अगर बात करें तो सभी सांसदों को 6:30 बजे तक पहुंचने का निर्देश मिला है, क्योंकि 7 बजे से ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तकरीबन आधे घंटे का एक प्रेजेंटेशन इस बैठक में दिया जाएगा। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार जो काम कर रहे हैं, तो उनके कामों का प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। किस तरह से हाईवे की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, रोजगार की बात करें, तो किस तरह से ये दोनों ही सरकार मिलकर वहां उत्तर प्रदेश का विकास कर रही हैं और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, तो इसको लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। उसके बाद में एक डिस्कशन होगा। वो जो तमाम सांसद हैं इनके मन में अगर कुछ सवाल है तो वो केंद्रीय नेतृत्व से पूछ सकते हैं। उसके बाद में तकरीबन 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में पहुंचेंगे और उनका समापन भाषण होगा। अगर प्रधानमंत्री के भाषण की बात करें तो जैसे कि पिछले बैठक में जो पिछली इधर पश्चिम क्षेत्र के जो सांसदों की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री ने कहा था कि सांसदों को ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र का प्रवास करना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। हालांकि इससे पहले भी सांसद जा रहे थे, लेकिन अब चुनाव की तैयारी के रूप में अब बहुत ज्यादा उनको अपने क्षेत्र में प्रवास करने की जरूरत है। इसके साथ साथ जो स्थानीय मुद्दे हैं, बजाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के, अपने क्षेत्र में जाकर सभी सांसद जो हैं वो स्थानीय मुद्दों पर बात करें कि किस तरह से उनकी सरकार ने वहां रोड का विकास किया, वहां अस्पतालों का विकास किया, वहां जो अन्य सुविधाएं हैं उनका विकास किया, किस तरह से स्थानीय स्तर पर विकास में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही हैं, तो स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कोई भी जो वहां का जो व्यक्ति है अगर आपसे नाराज है, तो आपको उससे लगातार मुलाकात करके उसकी नाराजगी दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एनडीए को महत्व देना है,
और चूंकि पश्चिम क्षेत्र में एनडीए का कोई सांसद नहीं था, तो ऐसे में इस बार दो सांसद हैं, एक अनुप्रिया पटेल और एक जो उनके एक और सांसद हैं, दो सांसद एनडीए के बीच में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप सरकार के काम गिनाएं तो एनडीए सरकार की बात करें, क्योंकि एनडीए को 25 वर्ष का समय हो गया है। इसको लेकर उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भले ही जो यूपीए के जो नेता हैं वो अपना नाम बदलकर INDIA रख लें, लेकिन जो पिछली सरकार के दौरान उनके जो काम के जो तमाम जो आरोप लगे, जो उनके ऊपर दाग लगे हुए हैं, वो नहीं छुप सकते। उन्होंने कहा कि भले ही आप चोला बदल लें, चोला बदल कर आप जो सच्चाई है उसको नहीं छुपा सकते। तो ऐसे करके उन्होंने कहा कि विपक्ष पर भी आपको हमलावर रहना है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कामों को भी जनता के बीच में पहुंचाना है और स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा करनी है और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र में प्रवास करना है। बिल्कुल, तो ये तमाम बातें जो हैं आज सांसदों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी सामने रखेंगे। लेकिन पवन, महत्वपूर्ण बात यह कि कई चरणों में कहा जा रहा है कि ये पूरा संवाद होगा, इस दौरान कौन कौन उपस्थित होगा और इसका स्केड्यूल जो है वो किस तरह रखा गया है, कौन से क्षेत्र हैं जिनके सांसद आज बैठेंगे? देखिए, आज जो बैठक होने वाली है, पहली बैठक जो 6:30 बजे शुरू होगी, उसमें काशी, अवध और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद रहेंगे। उसके बाद में ये जो बैठक है वो महाराष्ट्र सदन में होगी। उसके बाद में दूसरी बैठक जो है वो संसद भवन में रखी गई है, उसमें जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, आंध्र की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, उन सब राज्यों के सांसद होंगे। वो तकरीबन 7:30 बजे बैठक शुरू होगी। तो ऐसे करके वो 31 तारीख से ये पूरा एक संवाद का जो प्रक्रिया है प्रधानमंत्री की, एनडीए सांसदों की, वो शुरू हुई है और 9 अगस्त तक चलेगी। अलग अलग दिन पर अलग अलग जो राज्यों के सांसद रखे गए हैं, 40-40, 45-45 सांसदों का एक ग्रुप तैयार किया गया एनडीए वाले, जो प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करेंगे। उसमें मोटी तौर पर प्रधानमंत्री के साथ में कुछ बैठकों में गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे, जैसे कि आज की जो उत्तर प्रदेश की काशी, अवध और गोरखपुर जो सांसदों की बैठक होने वाली है उसमें गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे। उसके अलावा कुछ बैठकों में जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं और उनके साथ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वो शामिल होंगे और अपनी अपनी तरफ से प्रेजेंटेशन देंगे और पार्टी के तमाम जो सांसदों को आगे बढ़ने की बात कहेंगे। आप नजर बनाकर रखिए पवन, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और अब आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकने वाले हैं और इसके लिए फूलपुर में बिहार के सांसद और मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। दरअसल विपक्ष का मकसद काशी बनाम प्रयागराज की रणनीति का है और यही वजह है कि बिहार के बाद अब नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी दम दिखाएंगे। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर नीतीश के लिए फूलपुर सीट ही क्यों। विपक्षी एकता को दिशा देने वाले, सबसे ज्यादा बिहार में सीएम की कुर्सी पर विराजमान होने वाले नीतीश कुमार अब उत्तर प्रदेश का रुख करने वाले हैं, वो भी उस चुनाव में जिसमें बीजेपी हर सीट पर कमल खिलाने का दावा कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी भले ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया के संयोजक ना बन सके हों, लेकिन उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन्हें 2024 के चुनाव में पीएम फेस के तौर पर पेश करने की रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत पार्टी के रणनीतिकारों ने नीतीश कुमार को यूपी की फूलपुर सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का मन बनाया है, जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सांसद हुआ करते थे। जेडीयू ने नीतीश को चुनाव लड़ने के लिए फूलपुर सीट पर कई स्तर पर सर्वे करवाया है और पार्टी के एक सांसद, एमएलसी और बिहार के मंत्री को यहां सियासी जमीन तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। जेडीयू के सर्वे के जो नतीजे आए हैं उससे जेडीयू खासी उत्साहित है। नीतीश की पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने उनके फूलपुर से चुनाव लड़ने को लेकर हो रहे सियंथन को खुले तौर पर कबूल किया है। डिमांड रख किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा में लड़ना चाहिए, लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फूलपुर में लड़े, फतेहपुर में लड़े, प्रतापगढ़ में लड़े, अंबेडकर नगर में लड़े, भाई जहां से चाहें वहां से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव लड़ने की डिमांड हो रही है। और बिहार में जो काम किया है नीतीश कुमार जी ने, इसकी चर्चा जब वहां होती है तो लोगों में काफी खुशी होती है। नीतीश कुमार फूलपुर सीट से चुनाव लड़कर न सिर्फ खुद को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा साबित कर सकेंगे, बल्कि वो पीएम मोदी को सीधी टक्कर देने की भी जुगत में रहेंगे।
जानकारी है कि इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आई है। नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने पर विपक्ष को 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर सीधा फायदा होगा, जबकि यूपी समेत उत्तर भारत की तमाम सीटों पर इसका असर देखने को मिलेगा। यूपी से चुनाव लड़कर नीतीश कुमार अपने ऊपर लगे बिहार के नेता के ठप्पे से भी छुटकारा पाएंगे, खुद को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में स्थापित करना चाहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़कर उत्तर प्रदेश के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात के संकेत वहीं के एक मंत्री ने दिया है। आखिर बार बार इस बात की चर्चा क्यों होती है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं? इस बात को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर फूलपुर लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या है। दरअसल प्रयागराज को देश में सियासत के बड़े केंद्र के तौर पर जाना जाता है, और यही वजह है कि नीतीश कुमार बिहार से निकलकर अब खुद को मोदी के कद के नेता के तौर पर दिखाने की कोशिश में है। भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दिए, बिहार से करोड़ों लोग पलायन कर गए। तो पहले इनके जिम्मेदार इनके बड़े भाई लालू जी थे, अब तो बिहार को 18 साल से बर्बाद करने वाला कोई नेता है तो उनका नाम है नीतीश कुमार जी। हालांकि नीतीश का फूलपुर वाला प्रयोग 24 के चुनाव में कितना असर डालेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बिहार में नीतीश के जितने सांसद हैं वो बीजेपी से गठबंधन वाले हैं, जिसकी तस्वीर अब बदल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी नूह घटना की निंदा की है। मायावती ने सीधे हरियाणा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा हरियाणा सरकार की कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है, तथा वहां की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफी चिंताजनक भी है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे राम मंदिर की भव्य तस्वीर। ये है